दोस्तों ये मारुति के अल्टो 800 जिसको हमने सीएनजी सिक्वेंशियल किट इंस्टॉल किया है 48 किट के अंदर। तो चलिए आपको बताता हूँ किस तरह से इसमें सीएनजी किट इंस्टॉल किया गया है और बहुत जल्द ख़त्म भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसका टू स्टेज रिड्यूसर इंस्टॉल किया है, ये इसका प्रेशर गेज है, यहाँ पर हमने मैक्स सेंसर इंस्टॉल किया है और ये रहा इसका इंजेक्टर रेल। आप देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको इसी जगह के अंदर इंस्टॉल किया गया है और ये ब्रैकेट के साथ फिटा है हमने ताकि फ्यूचर में कोई मूवमेंट ना ये कर सके और अपनी जगह पे स्टेबल रहे। तो इसके बाद आता है इसका ECM, यहाँ पर ECM इंस्टॉल हुआ है और कुछ इस तरह से इंस्टॉल होने के बाद इसका लुक आ रहा है। तो चलते हैं अभी स्विच की तरफ। तो स्विच हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, ये रहा इसका स्विच, गाड़ी शुरू कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये गाड़ी शुरू हो गई है, इसको मैं रेस कर देता हूँ थोड़ा ताकि ये सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाए। तो अभी ये सीएनजी पे हो चुकी है और ये पूरी तरह से स्टेबल है, एसी के ऊपर भी। पिकअप वगैरह अच्छा है, इसका कैलिब्रेशन हो चुका है। तो चलते हैं अभी इसके टंकी की तरफ, आपको बताता हूँ कि किस तरह से इंस्टॉल हुआ है अल्टो 800 के अंदर सीएनजी का टैंक। तो स्टेपनी हमने इसकी खड़ी कर दी है और यहाँ पर हमने इस तरह से टैंक बिठाया। ये हमारा साई श्रद्धा मोटर्स और ये रहा हमारा लोगो। तो यहीं पर हमने बिठाया इसका इमरजेंसी वॉल और यहाँ पर हमने बिठाया है इसका फीलिंग वॉल ताकि एक कंपनी से जैसा लुक आ जाए इसमें फीलिंग करते समय। तो देखिए इस तरह से इसमें वॉल भी इंस्टॉल कर दिया है हमने और यहाँ से आप गैस आराम से भरवा सकते हो, ना आपको बॉनेट खोलने की ज़रूरत है और ना ही डिग्गी। तो इस तरह से अल्टो के अंदर सीएनजी किट इंस्टॉल हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो हम इंस्टॉल करते हैं उसका थोड़ा सा इंस्टॉलेशन शेयर किया जाए ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरह से सीएनजी किट इंस्टॉल होना चाहिए अल्टो 800 के अंदर। तो प्लीज़ आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।